हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में सर ने पूछ लिया कि सैलरी के लिए हम कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बना करके और सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो क्या हम परचेज वाउचर में भी कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी का प्रयोग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख ले कि परचेज वाउचर में जाने के बाद आपका मोड क्या है। तो कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है आपको और यहां पर आइटम इनवॉइस मोड आपको मिल जाता है। आप कुछ इसी तरह के मोड में शायद काम कर रहे होंगे। फिर कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड मिलता है, इसमें भी आपको नहीं आना है। फिर कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं, यहां पर मिलता है एज वाउचर, तो आपको वाउचर मोड में आ जाना है। ध्यान रखना है यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर और यहां पर वो डेट जिस डेट पर होगी परचेजिंग। इसके बाद यहां पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आ जाएगा, तो जो भी आपकी क्रेडिटर पार्टी है उसे आप ले लीजिए। लाइक मेरा हिना सी करके है तो इसे मैं ले लेता हूं। एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर आता हूं कितने की कुल खरीदारी होने वाली है, तो 5000 रुपए की कुल खरीदारी होने वाली है। एंटर प्रेस किया हमने, यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अगर आपको नहीं बनाना आता तो यहां से चले जाइए क्रिएट पर और यहां पर लिख दीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है, और इसे डाल दीजिएगा अंडर परचेज के ग्रुप में। तो ग्रुप का सही सिलेक्शन बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा मेरा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट कर देता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको स्टॉक आइटम का नाम लिखना है, लाइक यहाँ पर अगर मैं कर देता हूं राइस, ठीक है, तो यहाँ पे राइस आ गया। अब क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए राइस 50 किलो हो, ठीक है, और 1 किलो राइस की कीमत 50 रुपए हो, तो 2500 रुपए एडजस्ट हुए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे इसे एक नाम दे देंगे, किचन का ये सामान है और ये है क्या, राइस है। तो यहाँ पे राइस देखिए मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं बनाया तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप बना सकते हैं। तो 2500 का राइस हो गया। अब क्या बचा, फिर यहाँ पे आते हैं तो पल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने पल्स बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पल्स नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप पल्स बना सकते हैं। जैसे अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मैंने पहले से बना रखा है, पल्स कर देता हूं। अब मान लीजिए 50 किलो दाल अगर मैं परचेस कर रहा हूं, ठीक है, ये 50 किलो दाल है और 1 किलो दाल की कीमत पड़ रही है 100 रुपए, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे 50 किलो नहीं बल्कि हमें 30 किलो दाल ही रखना होगा, 30 किलो, और यहां पे कीमत कर देता हूं 75 रुपए, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूं तो 2250 रुपए और एडजस्ट हो गए, बाकी 250 रुपए और हमें एडजस्ट करने होंगे। तो ये किचन का ही है तो यहाँ पे किचन कर देता हूं और कॉस्ट सेंटर में पल्स डाल देता हूं, ये डाल दिया हमने। एंटर प्रेस करके नीचे आए, नीचे आएंगे तो यहां पर आएंगे। अब जैसे यहां पर आएंगे तो कुछ और आपने बना रखा हो, लाइक यहाँ पे कर देता हूं बेसन, देखिए मैं बना के भी दिखा देता हूं, ये बेसन कर दिया मैंने। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे इसे डालेंगे किसमें, तो ये ग्रोसरी है तो ये ग्रोसरी का भी मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे ग्रोसरी में इसे डाल दीजिए और किलो में परचेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आ गया। अब देखिए बेसन कितने का हमें एडजस्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो मान लीजिए कि कुल मिला के 250 रुपए एडजस्ट करना है, तो 25 रुपए किलो के हिसाब से अगर हम करें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वांटिटी देनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी में कर देता हूँ 8 किलो अगर करता हूँ और 25 रुपए रखता हूँ रेट, तो यहाँ पे 200 रुपए आएगा। यहाँ पे कर देता हूँ 10 किलो कर देता हूँ, ये 10 किलो कर देंगे और अब यहाँ पे ये पूरा 5000 एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी का नाम दे देंगे, किचन था हमारा तो ये किचन दे दिया हमने और हमने बनाया था बेसन, तो यहाँ पे देखिए अभी बेसन दिख नहीं रहा है, तो आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करके एक बेसन बना लेना होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेसन, ये हो गया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये हो गया 250 रुपए का बेसन। अब आपका ये पूरा एडजस्ट हो गया, ये पूरी एंट्री हो गई पूरी, ठीक है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जब प्रिंट निकालना होगा तो यहाँ आके दो बार डी प्रेस कर लीजिएगा और देखना पड़ेगा कौन सा है, ये वाला है शायद, यहाँ पे आता हूं नीचे, ये है। अब इसके बाद प्रिंट निकालने के लिए अल्ट के साथ पी प्रेस करके एंटर प्रेस कर दीजिएगा और यहां से आप प्रीव्यू देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये किस तरह से किया गया है, और ये देखिए ये बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्वांटिटी रेट और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है और 5000 रुपए का आपने सामान परचेस किया, तो इस तरह से भी एंट्री पास कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।